नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगी विश्व हिंदी दिवस के बारे में। 10 जनवरी है, 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है उसे जानते हैं। विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत 10 जनवरी 2006 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई। हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता और लोगों में जो है अनुराग पैदा करना, हिंदी के लिए वातावरण तैयार करना और हिंदी को जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है और अंत में जो है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में इसको जो है स्थान दिलाना है, को साहित्यिक परिधि से बाहर निकालकर व्यापक क्षेत्र में इसे प्रवेश कराना है। और यह तभी संभव है जब हम सब मिलकर के जो है हिंदी को अपनाएंगे, उसे सम्मान देंगे, तभी यह संभव है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा था कि हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की जो है साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है। हिंदी को विश्व स्तर पर बढ़ाने में अप्रवासी भारतीयों की बड़ी भूमिका रही है। उनमें जो है अपनी मातृभूमि, संस्कृति, विचार और सामाजिक पारिवारिक मूल्यों से जुड़ने की एक बेचैनी रहती है, जो कि विदेशी धरती पर भारतीय तत्वों की परिपूर्ति भाषाई स्तर पर कर सकती है। चीन की अगर बात करें तो आज भी 11 चीनी विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। श्री रामचरितमानस का चीनी भाषा में अनुवाद चीनी के प्रोफेसर जिन दिंग हान ने किया है। चीन में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने हिंदी चीनी मुहावरा कोष भी तैयार किया है। एशियाई देशों में जापान की अगर बात करें तो हिंदी की लौ जलाने वालों में प्रोफेसर ताकाकुसु अग्रगण्य हैं, जिनके प्रयासों से जापानी विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन शुरू हुआ। टोक्यो विश्वविद्यालय में तो एमफिल और पीएचडी की सुविधा उपलब्ध है। पिछले साल से तो जापान में हिंदी फिल्मों की मांग भी बढ़ी है। जापानी लोगों में हिंदी भाषा सीखने का भी रुझान बढ़ा है। हिंदी भाषा पूरे जापान में जो है लोकप्रिय है। भारत के अतिरिक्त अगर देखें तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, जापान, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, टोबैगो, रूस, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड आदि देशों में जो है हिंदी बोली या समझी जाती है। यूरोपीय देशों की बात करें तो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, लंदन एवं यॉर्क विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा व साहित्य में जो है अध्ययन अनुसंधान का कार्य चल रहा है। इसी तरह से रूस में मॉस्को विश्वविद्यालय, लेनिनग्राद विश्वविद्यालय, रूसी मानविकी विश्वविद्यालय व सेंट पीटर्सबर्ग और ताशकंद विश्वविद्यालय आदि दर्जनों संस्थानों में जो है छात्र हिंदी पढ़ते हैं। मॉस्को के जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र ने हिंदी रूसी शब्दकोश का जो है प्रकाशन भी किया है। रूस की हिंदी प्रेमियों की बात करें तो पीटर वारनिकोव का दिल भारत में बसता है। उन्होंने श्री रामचरितमानस का जो है रूसी में अनुवाद किया है और हिंदी सिनेमा पर केंद्रित पत्रिका भी निकाली है। फिनलैंड के हेलेंस्की विश्वविद्यालय में अनेक वर्ष से हिंदी पढ़ाई जा रही है। प्रोफेसर तातिक तिक्के ने हिंदी फिनिश शब्दकोश तैयार किया और गोदान का फिनिश भाषा में रूपांतरण भी किया है। नॉर्वे के ओस्लो विश्वविद्यालय में हिंदी का एक संपूर्ण विभाग है। नॉर्वेजियन भाषा में गीता का भी अनुवाद हुआ है और बाल रामायण भी प्रकाशित की गई है। अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ पर 110 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों कॉलेजों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। दुनिया की बात करें तो आज 200 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी का शिक्षण की व्यवस्था है। तो हम सब तो भारतवासी हैं, हमें अपने देश और हिंदी से प्रेम तो करना ही चाहिए, अपनी भाषा को बढ़ाना चाहिए। ये था हिंदी दिवस पर हिंदी भाषा से संबंधित जानकारी। धन्यवाद।